ऊपर उठाई हुई है इस गाड़ी का, हमने नीचे गियर बॉक्स सारा खुला हुआ है नीचे, अभी दिखाऊंगा आपको नजदीक से। और यह है इसका फ्लाईव्हील, और भाई ये नीचे पड़ी है इसकी क्लच प्लेट, देखो कितना कचरा इसके अंदर से निकला है जो यहाँ पे पड़ा है। अच्छा ये वो पुराने रिंग है भाई जो इसके अंदर से निकाले हैं, और जो नए डाले हैं इसके अंदर वो देखो यहाँ पे फिट है वो। भाई ये देखो धनसु पिकअप है गाड़ी की, एकदम से देखो जबरदस्त भाई ये देखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और आज आपका भाई है वर्कशॉप में। आज हम आपको जो गाड़ी दिखाने वाले हैं भाई वो है मारुति की डिजायर। तो डिजायर गाड़ी है और एक है साथ में रिटिज गाड़ी, दोनों गाड़ियों की सर्विस करनी है और दोनों के डालने हैं अभी सेंट्रोलॉजी रिंग, क्योंकि उनको जो पहले दूसरे का दूसरा गियर है ना भाई शिफ्टिंग में वो अड़ता है, गियर जैसे शिफ्ट करते हैं तो उसमें अड़ता है गियर, इसलिए दोनों ही गाड़ी हम खोल रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा गाड़ियाँ, मारुति की स्विफ्ट डिजायर और मारुति की ही रिटिज गाड़ी, तो दोनों ही गाड़ी दिखाते हैं आपको। एक बार लेके चलते हैं आपको बाहर वर्कशॉप की तरफ भाई। ये है गाड़ी मारुति की रिटिज गाड़ी, सामने जो ऊपर उठाई हुई है इस गाड़ी का, हमने नीचे गियर बॉक्स सारा खुला हुआ है नीचे, अभी दिखाऊंगा आपको नज़दीक से। और ये है मारुति की डिजायर गाड़ी, अभी पहले गाड़ी की कर रहे हैं सर्विस, इसके बाद इसका भी गियर बॉक्स उतारेंगे। ये है गाड़ी का ऑयल फिल्टर मारुति का जनवन, और ये है नीचे एयर फिल्टर स्क्रीन वाश, और गाड़ी में जो ऑयल डालेंगे भाई वो है वुर्थ कंपनी का, मैं आपको दिखाता हूँ 5W30। गाड़ी में भाई ऑयल फिल्टर डाल दिया है, अभी गाड़ी का एयर फिल्टर डालेंगे। और भाई ये जो मैंने आपको सामान दिखाया है ना, ये किसी गाड़ी किसी कंपनी की पेड प्रमोशन नहीं है, जो हम अपनी वर्कशॉप में यूज करते हैं ना सामान वो दिखाया है मैंने आपको। अभी ये है गाड़ी का एयर फिल्टर, सिंपल सर्विस कर रहे हो सुंदर या मेजर कर रहे हो? मेजर होगी भाई, गाड़ी की मेजर सर्विस कर रहे हैं। और उस साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे खोल रखा है रिटिज गाड़ी का गियर बॉक्स, क्या कर रहा है भाई इसका रिंग डाल रहा, खोल दिया पूरा गियर बॉक्स डाल भी दिए। अच्छा ये वो पुराने रिंग है भाई जो इसके अंदर से निकाले हैं, और जो नए डाले हैं इसके अंदर वो देखो यहाँ पे फिट है वो। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाले जो रिंग है ये इसमें नए डाल रखे हैं, ये कट रहे हैं, और ये हैं पुराने वाले। कहाँ से कटा है भाई ये? इसी से कट रही है। ये देखो भाई यहाँ से एक रिंग कटता है, ये आगे सरक रहा है ना, ये बिल्कुल नया अलग फिटिंग होती है, ये कटने के बाद आगे सरक हुआ, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी के गियर शिफ्ट करते हो ना तो गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आती है, गियर अड़ता है, पहला दूसरा गियर बिल्कुल ही अड़ता है। और क्लच प्लेट कैसी है इसकी भाई? ये रिप्टे बाहर आ गई, ये तो ख़त्म हो रही बिल्कुल ही, ये भी नहीं डलेगी, इसको भी कोई काम दे दिया करो, ये बंदा खड़ा है इसको साथ में लगाया करो अपने। अच्छा ये नहीं डालेंगे, मारुति की जनवन क्लच प्लेट डालेंगे भाई, देख सकते हैं आप जो डिस्क है, डिस्क का सॉरी कवर है, ये कवर का रेट है 1370 रुपये, जिसे प्रेशर प्लेट बोलते हैं। और इसकी डिस्क कहाँ भाई? अच्छा डिस्क नीचे है, ये इसकी डिस्क है भाई जो डिस्क डालेंगे गाड़ी में, ये भी मारुति की जनवन है, और इसका MRP है भाई 1950 रुपये। दोनों ही चीज़ें मारुति की जनवन डलेगी, क्लच बैरिंग मारुति का जनवन डाला है, रिंग जो हमने डाले हैं ना वो भी मारुति के जनवन रिंग ही डाले हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई 1955 रुपये MRP है इस पर सामने। तो कोई भी किसी भी कंपनी की यहाँ पे हम पेड प्रमोशन नहीं कर रहे, अभी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो सामान वर्कशॉप में यूज कर रहे हैं ना वो आपको दिखा रहे हैं। तो अभी कुछ फिटिंग इन्होंने कर दी है, कुछ अभी बाकी है, बाकी फिटिंग करने के बाद गाड़ी को चला के भी आपको दिखाएंगे। अभी तो एक बार फिटिंग करेंगे, पहले तो पूरा गियर बॉक्स फिट करेंगे, उसके बाद गाड़ी में चढ़ाएंगे इसको। अभी भी डिजायर गाड़ी की यहाँ पे कर रहे हैं व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंस क्या होता है भाई, इसमें आपको बताता हूँ, आप जैसे ही गाड़ी 90-100 की स्पीड पे चलाओगे ना, और स्टेरिंग के अंदर एक कंपन सा आता है, 100-120 की स्पीड पे गाड़ी में कंपन आता है, उसका बैलेंस करने के लिए कि स्टेरिंग बिल्कुल स्टेबल चले गाड़ी का, उसके लिए व्हील बैलेंसिंग की जाती है। और यहाँ पे देखो टायर का साइज डाल रहे हैं इसमें, और अभी ये घूमेगा, घूमने के बाद अपने आप मशीन बताएगी कि गाड़ी में किस साइड में कितना वेट लगना है, अंदर की साइड कितना, बाहर की साइड कितना। देखो बाहर इसने दिखाया बिल्कुल जीरो, क्योंकि बाहर प्रॉपर है टायर, अंदर की साइड मशीन दिखाया 35 ग्राम वेट लगेगा। तो अभी एक बार रोक के दिखाना सुंदर भाई कहाँ वेट लगेगा। अभी देखो दोबारा से घुमाई ना, तो 15 ग्राम वेट बाहर की साइड में भी मांगा है इसने, यहाँ पे जैसे ये बैलेंस है ना, अभी बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे वेट लगेगा भाई, इस साइड में 15 ग्राम वेट, तो इससे टायर का व्हील बैलेंस होगा। अभी दिखाता हूँ आपको, ये लगा रहा है, ये
देखो भैया यहाँ पे लग गया और अभी अंदर की साइड में भी लगाएगा। अभी ये देखो बिल्कुल प्रॉपर जो जगह होती है ना इसकी, वहीं पे मशीन बताएगी एक जगह पे पहले वेट लगाओ। अभी भी गाड़ी की क्लच प्लेट जो है ना वो फिट कर रहे हैं डीडीज के अंदर। आज का जो हम अपना वीडियो बना रहे हैं ना स्पेशल इसीलिए बना रहे हैं कि जिस जो भी मारुति की गाड़ियां जिन भी भाइयों के पास हैं स्विफ्ट होगी रिटिज होगी ये जो गाड़ियां हैं इनके अंदर गियर शिफ्टिंग की जो प्रॉब्लम आती है ना आज सिर्फ वो ही आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि वो इस चीज़ के कारण आती है। देखो ये कट गया इसका रिंग, इसमें ये यहाँ पर गैप आ गया भाई देखो, और इसी गैप की वजह से पहले दूसरे गियर में शिफ्टिंग में दिक्कत आती है। जब आप गाड़ी को चला रहे हो ना और तीसरे गियर से जैसे स्लो में करोगे और दूसरा गियर लगाओगे गाड़ी का तो उस टाइम पे ये दिक्कत आएगी, ये दिक्कत शो करेगी आपको कि गियर लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए गाड़ी की क्लच प्लेट डाउन होने के कारण ये रिंग कटते हैं, तो इसमें रिंग और क्लच प्लेट दोनों इकट्ठी ही चेंज होएगी गाड़ी की। क्लच प्लेट की फिटिंग अभी कर रहे हैं और ये जो रिंग है रिंग इसके अंदर डाल दी है, अभी इसके गियर बॉक्स में फिटिंग करने के बाद गियर बॉक्स को गाड़ी में लगाएंगे। भाई इस डिजायर गाड़ी में ना ये दो पाइप भी लीक हैं इसके पुराने पाइप, ये दोनों नए पाइप डालेंगे। देखो ये दोनों भी मारुति के जेन्युइन ही दोनों पाइप हैं। ये टैप कवर से इसमें जाएगा जी, ऑयल का वैक्यूम पंप में ऑयल का पाइप है। चलो डाल लो भाई, डिजायर का लीक था पाइप ये नीचे और एक ये छोटा पाइप भी इसमें डलेगा। ऑयल इसका नीचे लीक था उसके लिए दोनों ही पाइप इसके चेंज कर दिए। ये है इसका पुराना पाइप, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ से सारा फटा हुआ है भाई। और ये देखो ये किस तरह से फूल गया छोटे वाला पाइप भी, और ये भी, ये दोनों ही चेंज कर दिए। अभी भाई गाड़ी का गियर बॉक्स जो है ना वो फिट कर रहे हैं रिटीज गाड़ी का। सेम प्रॉब्लम दोनों गाड़ियों में है, डिजायर में भी और रिटीज में भी। भाई मारुति की गाड़ियों में जो गियर की प्रॉब्लम आती है ना वो ही सॉल्व करने के लिए, उसी के बारे में बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और दोनों ही गाड़ियों में सेम दिक्कत है, दोनों ही गाड़ियों में सेंट्रलाइजिंग रिंग डलेंगे क्लच प्लेट डलेगी। इसका तो काम लगभग होने वाला है, इसकी पहले इसकी ट्राई मार के आपको दिखाएंगे अब, और फिर इसकी ट्राई मार के दिखाएंगे। पहले जो गियर अटने की प्रॉब्लम है ना भाई वो तो आप सब जानते ही हैं, बाकी वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं वर्कशॉप में थोड़ा लेट आया था, तो मेरे आने से पहले ही इन्होंने गाड़ियाँ खोल दी थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा जब गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगी ना दोनों, तो दोनों के एक बार ट्राई मार के दिखाएंगे कि गियर लगाने में कोई दिक्कत है या नहीं है। इस गाड़ी का जो सामान था वो नीचे गत्ते पड़े हैं, पेटियाँ खाली वो तो इसमें डाल दिया। अभी इस गाड़ी की बारी है, इसको अभी खोल रहे हैं, तो ये गाड़ी जैसे ही रेडी होती है इसकी ट्राई मार के आपको दिखाएंगे। भाई अभी हम बैठे हैं गाड़ी में रिटिज में, तो अभी इसकी ट्राई लेंगे और आपको बताएंगे कि गाड़ी का प्रॉपर जो है गियर बॉक्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखो जो जैसे ही गाड़ी मूविंग में आई ना भाई बिल्कुल आराम से पहले से दूसरा गियर गाड़ी का डल गया। और पहले क्या होता था दूसरा गियर डालने में थोड़ी दिक्कत आती, और जो मेन जो दिक्कत आती थी ना दूसरा गियर डालने में वो अभी आपको रोड पे गाड़ी चलने के बाद बताऊंगा। देखो अब देखो जैसे अब गाड़ी मूविंग में है ना, जैसे गाड़ी 40 की स्पीड पे गई मैंने इसका डाल दिया तीसरा गियर, अब इसका तीसरे गियर में गाड़ी चली हुई है, तो जैसे ही कहीं ब्रेक मारने पड़ गया ना मेरे को, मान लो कि यहाँ कोई जैसे ये गाड़ी आ गई आगे से तो मेरे को यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ गया। अब ब्रेक लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी का लगाऊँगा दूसरा गियर वापस। तो देखो अभी नॉर्मली दूसरा गियर गाड़ी का लग गया, मगर जब गाड़ी आई थी ना भाई उस टाइम पे इसका दूसरा गियर नहीं लग रहा था। पहले से दूसरे में तो शिफ्ट हो जाती है, पर जब तीसरे गियर से दोबारा आप दूसरे गियर में गाड़ी लगाओगे ना उस टाइम पे ज़्यादा दिक्कत आती है। पहले दूसरे में दिक्कत तो आती है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, मेनली जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो तब आती है जब आप गाड़ी चला रहे हो और तीसरे से दूसरा गियर, ये गियर दिखा भी साथ में, तीसरे से दूसरा गियर जब आप शिफ्ट करते हो। अभी गाड़ी दूसरे गियर में है, देखो तीसरा लगा दिया मैंने, और अभी दोबारा से फिर गाड़ी की स्पीड देखो, गाड़ी गई है 50 की स्पीड पे, मैं ब्रेक लूँगा हल्के से, और जैसे ही गाड़ी आएगी 20-30 की स्पीड पे मैंने दूसरा गियर लगाऊंगा गाड़ी का,
क्योंकि लगाना पड़ेगा भाई स्पीड के हिसाब से। देखो ये देखो, अभी दूसरा गियर नॉर्मली गाड़ी का लग गया। ये फ़र्क होता है भाई रिंग का, जब वो रिंग गाड़ी के ख़त्म हो जाते हैं ना, घिस जाते हैं, तो प्रॉपर से गियर लगने में दिक्कत आती है। अब बिल्कुल आराम से गाड़ी के गियर लग रहे हैं। बाकी एक बार गाड़ी थोड़ी सी लॉन्ग चलाते हैं, थोड़ी सी लंबी 80-90 की स्पीड पर, क्योंकि गाड़ी की जो है क्लच प्लेट भी नहीं डली है। भाई गाड़ी चल रही है एकदम ओके, रॉकेट की तरह गाड़ी जा रही है भाई, ऐसे एकदम से जैसे ही पंजा दबाते हैं ना, एक्सीलेट करते हैं गाड़ी को, देखो एकदम से गाड़ी 90-100 की स्पीड पे। भाई ये देखो, अभी तो गाड़ी फोर्थ गियर में है भाई, अभी फिफ्थ गियर में आई है गाड़ी। ये देखो गाड़ी की स्पीड देखो आप भाई, क्लच प्लेट डालने का ना वाकई में फ़र्क होता है। गाड़ी की जो पिकअप होती है ना वो बढ़ जाती है। और गियर प्रॉब्लम के लिए, जो गियर शिफ्टिंग में दिक्कत थी ना, उसके लिए तो हमने इसके रिंग डाली दिए हैं। अब गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी है बिल्कुल ओके। इसके बाद जो अभी जो डिजायर गाड़ी है ना वो खोल रहे हैं, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी सेम। उसकी भी आपको ट्राई मार के दिखाऊंगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगी ना तब, उसकी भी ट्राई मार के आपको दिखाएंगे कि वो कैसे चलेगी। भाई इसको लगा दिया अभी हमने वॉशिंग पे, रिटिज को। भाई जैसे गाड़ी पुरानी होती है ना, उसमें जंग आना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ पर खिड़की के पास कितनी डस्टिंग है, इसमें गाड़ी में डाल दो, कस्टमर के यहाँ। तो अभी इसकी वॉशिंग कराते हैं, और इसके बाद अभी डिजायर का गेयर बॉक्स है वो फिट हो रहा है थोड़ा, तो जैसे फिटिंग हो जाएगी इसको भी ट्राई पे लेके चलेंगे। एक बार दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी फिटिंग, आपको दिखाते हैं गाड़ी की कैसी इसके अंदर से क्लच प्लेट निकलेगी, और जो इसके अंदर डालेंगे वो दिखाते हैं आपको। भाई अभी खोल दिया है डिजायर का भी गेयर बॉक्स, ये देखो ये है इसका फ्लाईव्हील, और भाई ये नीचे पड़ी है इसकी क्लच प्लेट। देखो कितना कचरा इसके अंदर से निकला है, जो यहाँ पर पड़ा है ना वो मिट्टी सी ब्लैक ब्लैक, ये देखो ये इसके ऊपर पड़ी है सारी, ये गियर बॉक्स के अंदर से निकली है। और अब इसकी क्लच प्लेट आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये भी किसी पड़ी है, देखो इसकी भी ये जो रिप्ट है ना बाहर आ गई बिल्कुल। अभी ज़्यादा रिप्टे बाहर आने पे क्या होता है, ये इसकी जो फ्लाईव्हील है ना यहाँ पे रगड़ मारती हैं, निशान डाल देती है, सारा फ्लाईव्हील ख़राब कर देंगी, तो गाड़ी का फ्लाईव्हील भी चेंज करना पड़ता है। अभी तो इसी से काम चल जाएगा भाई। अभी यहाँ पे जो है फोरमैन साहब खोल रहे हैं गियर बॉक्स, देखो इसमें डालेंगे रिंग, और ये सुंदर भी लेके आ गया, देखो रिंग वगैरह था जो सामान है ना इसका, क्या क्या सामान लेके आया भाई? ये रिंग है जी, क्लच बैरल है, क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, दो सेंट्रलाइजिंग रिंग, और ये साथ में है इसका क्लच बैरिंग जो अंदर को होता है, सारा सामान लेके आ गया। अभी खोलते हैं इसको और इसमें रिंग डाल देंगे पहले। अभी भाई ये देखो गाड़ी की नई क्लच सेट, मारुति का जैनुइन, और अभी गाड़ी के अंदर डिजायर के अंदर फिट कर रहे हैं अभी। भाई ये डिजायर का जो गियर बॉक्स खुला था ना, देखो ये इसकी पूरी अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद यहाँ पे इन्होंने रिंग डाल दिए हैं गियर बॉक्स के अंदर, जो पुराने रिंग निकले हैं ना इसके, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाले इसमें निकले हैं। इसका भी जो कटिंग है वो दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा कटिंग है भाई, देखो ये देखो कितना ज़्यादा जो है रिंग कटा हुआ है, ये वाला कम है, ये ज़्यादा कट रहा है। तो भाई इसमें भी रिंग हमने चेंज कर दी है, अभी पैकिंग किट वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद इसको प्रॉपर गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे, और उसके बाद गाड़ी में लगाएंगे। गाड़ी में अब इसको लगाने के बाद ही आपको गाड़ी दिखाएंगे, फिर इसकी ट्राई लेंगे गाड़ी की। भाई अभी जो रिटिज गाड़ी थी ना, देखो वो हो चुकी है वॉश, यहाँ पे उसकी वॉशिंग हो रही है, और अभी जो डिजायर गाड़ी थी उसे लेके चलते हैं हम एक बार ट्राई लेने के लिए गाड़ी की। गाड़ी का सारा काम हो चुका है, फिटिंग वगैरह हो चुकी है गाड़ी की, लिफ्ट से बाहर निकाल रहे हैं, और उसके बाद चलते हैं एक बार इसकी ट्राई लेने के लिए। भाई अभी आ गए हैं वापस डिजायर के अंदर, और अभी इस गाड़ी की लेंगे ट्राई। एक बार चलते हैं वर्कशॉप से बाहर रोड के ऊपर, रोड के ऊपर जाके गाड़ी के गियर वगैरह सारे शिफ्ट करके देखेंगे, और आपको भी दिखाएंगे। भाई भाई देखो अभी गाड़ी है पहले गियर में, और ये मैंने गाड़ी को शिफ्ट किया दूसरे गियर में, ये देखो, और अभी दूसरे से करूँगा तीसरे में शिफ्ट, तीसरा गियर गाड़ी का लग गया। और अभी जो मेन दिक्कत गाड़ी की जो है ना भाई, तीसरे से दूसरे गियर में आती है। जैसे अब मैंने गाड़ी के हल्के से ब्रेक लिए, देखो गाड़ी 20 पे आ गई, अब मैं इसका लगाऊंगा दूसरा गियर। ये गाड़ी में दिक्कत थी, जो रिंग की दिक्कत आती है ना मेन, जैसे आप तीसरे से दूसरा गियर लगाओगे ना भाई, वो तो लगेगा ही नहीं यदि गाड़ी की रिंग ख़राब है। और पहले दूसरे गियर में भी दिक्कत आती है, और कई बार ना डिजायर के तीसरे और चौथे गियर में भी दिक्कत आती है। सारे गियर की रिंग अलग अलग रिंग है सभी गियरों के, जैसे 5 गियर है ना गाड़ी में, 5th गियर, 4th गियर, 3rd गियर, सबके अलग अलग रिंग है। तो अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी की क्लच प्लेट भी पिकअप एक बार आपको दिखाता हूँ। भाई ये देखो धनसु पिकअप है गाड़ी की, एकदम से देखो जबरदस्त भाई, ये देखो
भाई ये देखो क्या पिकअप है। तो भाई आज जो हमने गाड़ी में काम किया ना क्लच प्लेट का और सेंट्रोलॉजी रिंग का, तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और अपनी तरफ से सारा काम गाड़ी का बढ़िया किया है भाई, मगर फिर भी यदि आपको कोई नज़र आए कि हमने कोई गलत काम किया है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, हम ज़रूर ध्यान देंगे। जैसे हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था एक भाई ने कि आपने गियर बॉक्स को साफ़ नहीं किया, तो भाई साफ़ किया था। उसके बाद मैंने इस बार जो गियर बॉक्स साफ़ किया ना थोड़ा और ध्यान दिया हमने, अच्छी तरह से उनको साफ़ किया। बाकी वॉश नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर पानी थोड़ा बहुत रह गया ना गियर बॉक्स के अंदर तो जंग लगने का खतरा रहता है, इसलिए पूरा पानी से साफ़ नहीं करते, उसको डीजल से साफ़ करते हैं या फिर ब्रश वगैरह से कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करते हैं। तो अभी गाड़ी की ट्राई मेरी पूरी हो चुकी है और आपको भी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गियर बॉक्स की जो शिफ्टिंग थी वो मैंने आपको करके दिखा दी। तो ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी गाड़ी जो भी काम नया आएगा उसको आपके साथ शेयर करेंगे, वो दिखाएंगे आपको। तो वेट करना भाई नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।